यूपी के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिला प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी द्वारा अपने पुत्र अब्बास अंसारी, संरक्षिका आफसा अंसारी के नाम से सदर कोतवाली महुआबाग में स्थित गजल होटल के निचले मंजिल में स्थित 17 दुकानों को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की। कुर्क संपत्ति की कीमत करोड़ों में बताई गई है। सदर सीओ ओजस्वी चावला ने बताया कि जिला अधिकारी एमपी सिंह के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की महुआबाग स्थित 17 दुकानों और कमर्शियल भूमि लगभग 400 वर्ग मीटर है, उन्हें आज कुर्क किया जा रहा है। मालूम हो कि इन 17 दुकानों और भू संपत्ति की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ 10 लाख रुपए है। बता दें कि थाना मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी मुकदमे में आज यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान सदर SDM अनिरुद्ध प्रताप सिंह, शहर कोतवाल विमलेश मौर्य, यातायात प्रभारी अजय सिंह कसना, चौकी इंचार्ज रजदेपुर सुनील कुमार शर्मा सहित 6 चौकी प्रभारी, 20 लेखपाल, 4 कानूनगो, नगर पालिका EO सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके मद्देनजर मार्ग पर 4-पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया था। मालूम हो कि इससे पूर्व भी प्रशासन मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर चुका है। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की जो ये महुआबाग स्थित ये 17 दुकानें हैं और जो यहाँ पर कमर्शियल भूमि स्थित है लगभग 400 वर्ग मीटर, इन भू संपत्ति और भवन संपत्तियों को आज कुर्क किया जा रहा है। सर, इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? ये जो 17 दुकानें जो यहाँ पर महुआबाग में स्थित है और जो भू संपत्ति स्थित है, इसकी कुल लगभग जो बाजारों मूल्य है वो 10 करोड़ 10 लाख रुपये है। सर, ये जो कार्रवाई हुई है किसके तहत हुई है? ये जो कार्रवाई है, ये गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था थाना मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध, उसी मुकदमे में आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।